हाँ जी गाइस, दिस से पोल खड़ा कर दिया है। ये टोटल 20 फुट सीढ़ी हो चुकी है, ये देखें जी ऊपर जाके। जी जी काम पे टांग रही है भैया बहुत ज्यादा, अभी वो ऊपर है ना उसमें बहुत ही ज्यादा काम पे की बोला। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। रेनोवेशन ऑफ सेंचुरी स्पोर्ट्स क्लब डे 11 है आज, पूरा दिन क्या क्या काम होगा मैं आपको सारा बताऊंगा। और वेल्डर आ चुके हैं, कल तकरीबन सारे पोल हो चुके थे, एक पोल रह गया था नीचे से वेल्ड होने का, जैसे ये प्लेट मिला, उसके बाद आज वो इंशाल्लाह मतलब वो आ गए हैं रिड्यूसर, आज रिड्यूसर आ गए लाहौर से। ये देखिए ये पोल है, कौन से ये रिड्यूसर आ गए लाहौर से, रात को ऑर्डर दे दिए थे और मतलब कल दोपहर को ऑर्डर दे दिया था, तो रात को आ गए थे रिड्यूसर। ये 6 इंच का है और ये 3x2 का है, ऐसी है और उसके बाद 4x2 का। हाँ जी, अब इनसे पूछते हैं आज वेल्डिंग का क्या क्या काम होना है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान। आज भाई क्या क्या होगा भाई? ना आज हमने सब पैकों को आपस में जोड़ना है, इनको क्लंच लगानी है, ये वाले क्लंच लगेगा इनको, आप बताए किस तरह लगेगी। बड़ा पाइप है, दूसरा जितना वेल्डिंग होना छोटा पाइप है जी, ठीक। ये यहाँ पे इसके साथ ऐसे रख के इसके आगे छोटा पाइप वेल्ड करना है, इसकी लंबाई 20 फुट है, इसको 40 फुट करना है, इससे 20 फुट और लग जाएगा आगे, 20 फुट का पाइप इसका और लग जाएगा। आज ये जोड़ लग जाएंगे, कार पे आप खड़े कर देंगे और परसों आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, हो जाएगा। ये जी कह रहे हैं जो आज जो 6 इंच का पोल है ना, उसके साथ जो आगे 4 इंच का पोल लग रहा है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, रिड्यूसर को ज्वाइन कर देंगे तो वो मतलब ज्वाइन हो जाएगा प्रॉपर 40 फुट का। हाँ जी गाइस, अब मिस्त्री आ चुके हैं, तो इन्होंने आज इधर बाउंड्री पर रद्दा लगाना है, तकरीबन 2 रद्द लगने हैं और बाउंड्री पे ये वाली बाउंड्री है और कौन सी वो वाली बाउंड्री है उसके वो जो बनी सामने मिल्क बाउंड्री है उसके मुताबिक बाउंड्री बनेगी, मतलब उसके लेवल पे, और आज प्लस्टर भी हो जानी है ये बाउंड्रीज वगैरह, तो साथ साथ ये पोल भी कर रहे हैं वेल्ड और ये वेल्ड हो रहे हैं पोल, और जो से पुराने पोल था ये यूज़ हो रहा है क्योंकि ये 20 फुट इन्होंने कर दिया है, ये काट दिए। सर ये किस में यूज़ होगा, ये क्या काट के लिए? 40 मीटर करने के लिए ना, इसके साथ जोड़ लगेगा जैसे वो प्लेट लगी हुई है ना। ठीक ठीक है, मतलब जैसे वो वेल्ड नहीं कर रहे हैं वो 20 फुट का है और ये भी 20 फुट का है, इसको दरमियान में रिड्यूसर लगा के ना दरमियान के अंदर, तो ये 40 फुट का बन जाएगा। और मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं इधर, ये देखें ये रद्द लगा रहे हैं आज इंशाल्लाह, ये सारा आज 2 रद्द लग जाने हैं। मिस्त्री साहब आज क्या काम होना है? आज इसकी चुनाई होनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है, ठीक है, फिर कोई और बच्चे का काम तो करेंगे, टाइम बचेगा तो काम करेंगे। हाँ जी गाइस, रद्दा लगना शुरू हो गया है, ये देखें मिस्त्री साहब साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, ये रिड्यूसर है जिसकी बात कर रहे थे, ये वाला रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर ये अटैच कर रहा, मतलब पीछे 6 इंच का, मतलब पीछे 4 इंच का पोल है, आगे 2 इंच का, 3 का, 3 का पीछे 4 इंच का पोल है, आगे 3 का, ये रिड्यूसर है, ये ज्वाइन करता है ये अगले पोल के, पूरी लेंथ अब 40 फुट हो गई देखें। हाँ जी, ये फाउंडेशन है, ये प्लेट फाउंडेशन के ऊपर आ जाएगी और ये 40 फुट पाइप है, ये हो गया 40 फुट का, 20 और 20 40 फुट, मतलब 40 फुट लेंथ है। हाँ जी गाइस, दोनों वेल्डर शुरू हो गए लेंथ बनाने के लिए और तकरीबन एक लेंथ बन चुकी है 40 फुट की, और अब दोनों शुरू हो गए वेल्डर, दोनों लेंथें बनाने, अब 3 लेंथें बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद के साथ मिस्त्री अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, तकरीबन वार लग चुका है ये वाला। हाँ जी गाइस, प्लास्टर स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ये अब इस बाउंड्री कह रहे हैं जो विड्थ में प्लास्टर स्टार्ट हो चुका है, तो ये कब तक हो जाएगा? ये कल होगा, आज नहीं, आज ही होगा, कल होगा फाइनल, कल होगा कह रहे फाइनल कल होगा, आज इंशाल्लाह ताला आज तकरीबन हो जाएगा काम। हाँ जी गाइस, टोटल 6 पोल वेल्ड हो चुके हैं 40 फुट की हाइट के मुताबिक, और उसके बाद बाकी दोनों जीरो शोर से में लगी हुई हैं ये वेल्ड करने के लिए पोल, इंशाल्लाह ताला आज खड़े भी हो जाएंगे पोल, आज खड़े हो जाएंगे पोल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज रात लगानी है आपके पास, ठीक हो गया।
पहले कह रहे थे कि हफ्ते वाला दिन कहोगे, लेकिन खुशखबरी दे दी है कि हमारी टीम और आ रही है 5-6 बंदे। हाँ जी गाइस, सीढ़ी वाला आ चुका है, उसने अब सीढ़ी उतार ली है, एक सीढ़ी आ चुकी है, टोटल 2 सीढ़ियाँ आनी है, दूसरी आ रही है सीढ़ी, अब एक फेरा उतार दिया, दूसरा फेरा लेकर आएगा, उसके बाद काम जोर शोर से जारी है। तकरीबन आधा प्लास्टर हो चुका है उस बाउंड्री का। हाँ जी गाइस, शहर से वापस आ चुका हूँ, ये मैं टिकिया लेने गया था जो ये पोल के एंड पे जो सुराख होता है वो बंद करने के लिए, उसके बाद तकरीबन सारी लेंथें पूरी हो चुकी हैं 40 फुट तक हाइट, उसके बाद एक पोल रह गया उसकी लेंथ, तो वो लाइट चली गई है जी, जौन सी लेंथें हैं ये नवे पूरी बन रही हैं, उसके बाद बिजली चली चुकी है, बिजली का इंतज़ार है, लेकिन आज पोल खड़े हो जाएंगे और सीढ़ी भी आ चुकी है जैसे आपको पता है पहले, उसके बाद ये प्लास्टर काम चेक करते हैं कहाँ तक पहुँच गया, तकरीबन सारा बाउंड्री हो चुकी है प्लास्टर का। हाँ जी, आज यही काम होगा सिर्फ, हाँ जी ठीक हो गया, आज यही काम होना है, उसके साथ जो इस साइड वाली है, इस साइड इनका मतलब हाथ नहीं जा रहा, जो इस तरह की उस साइड पर रहना उधर इनका हाथ नहीं जा रहा, उधर बहुत बुरी लगी है, वो सोचते हैं क्या हिसाब किताब। हाँ जी गाइस, सीढ़ी लगना शुरू हो चुकी है ये देखें जी, और उसके बाद जो जनरेटर का ख़राब था वो आज जनरेटर वाला आ चुका है, उसकी जो कॉइल वगैरह थी वो नहीं डल चुकी है, जो जल गई थी, जनरेटर वाले भाई आ चुके हैं जी। अंकल जी होगी ठीक? आज ठीक चलेगा इंशाल्लाह, अब सही चलेगा फिट। हाँ जी गाइस, टोटल 20 फुट सीढ़ी हो चुकी है, ये देखें जी ऊपर जाके बंदा डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जल्दी जल्दी नीचे उतार दो, मैंने कहा अभी तो नीचे नहीं, प्रॉपर 35 फुट सीढ़ी लगाएंगे, उसके बाद ये पोल खड़े कर देंगे, फिर वो कहेंगे भाई जान जाए आपका, ऐसी बात है भाई। की होया क्यों टांग रही है, ये लोग डाल रहे हैं, कैसी सूरत हाल है? हाँ जी बड़ी पैरी सूरत ऊपर जा। हाँ जी गाइस, जनरेटर ठीक हो चुका है, चलाया था जनरेटर, अब इसका वो मीटर वगैरह लगा रहे हैं साथ, और उसके बाद सीढ़ी 30 फुट हो चुकी है, 30 फुट लग चुकी है सीढ़ी, उसके बाद जो से सर जी क्या काम हो चुका है दिन का, सारा दिन का जी, सारा दिन में हमने पोल वेल्डिंग की है, सारे जोड़ लगाए हैं जो उनसे, तो 90 फुटे और 40 फुटे जो जोड़ लगने थे वो लगाए हैं, सीढ़ी वेल्डिंग यानी कि जो जोड़ी है वो लगाई है, तो अभी थोड़ी सी सीढ़ी रहती है तो लग रहेगा वो भी आज लग जाएगी, और पोल खड़े कर देंगे, पोल फिटिंग इंशाल्लाह ताला शुरू करने लगे हैं, वो ही करने लगे हैं, तो कोशिश करते हैं उठाने की जी ठीक। बाकी हाँ जी, जैसे आपको बताया उन्होंने सारा कुछ के सीढ़ी उन्होंने जोड़ ली, उसके बाद पोल वगैरह वेल्ड हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला आज हमने पोल खड़े कर देने हैं इंशाल्लाह ताला। जनरेटर ठीक हो चुका है, अब चेक करते हैं जनरेटर स्टार्ट करके। जी स्टार्ट करें। ये गाइस, जनरेटर को ये मसला हुआ था कि इसका डैनमो जल गया था। क्या जल गया था जी? डैनमो जो बिजली घर होता है। अच्छा, तो अच्छा। हमारे लिए बेहतर ये हुआ कि हमें कंपनी से जो जनरेटर मिला है ना वो 5,000 का मिल गया है, जो कंपनी का फिटेड होता है। अच्छा अच्छा। तो वो हमने फिट कर दिया है, हमने रिवाइंड नहीं कराया, ये ओरिजिनल है कॉपर में, तो हम चलाने लगे इसको। इसमें कोई मोटर वगैरह चलाएं? मोटर अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर बहुत अच्छा हो गया है, बेहतरीन चल रहा है, पहले इसमें हमने मोटर चलाई थी तो बेहतरीन प्रेशर चला था, जिससे बिजली से ज़्यादा इसका प्रेशर था मोटर का, और अब तो वोल्टेज शो कर रहा है, नीचे वोल्टेज शो कर रहा है वो, तो अब बंद कर देंगे, अब जनरेटर बंद कर दें। ये धुआं क्यों मार रहा जी? ये धुआं आ गया है वो मोबाइल। अच्छा, तो अच्छा। वो जल जाएगा ना जब चलने से खत्म हो जाएगा, फिर धुआं बंद हो जाएगा। ठीक हो, जनरेटर ठीक हो चुका है, उसके बाद जो सी सीढ़ी है वो लग रहा मतलब 35 फुट हो गई है। हाँ जी गाइस, टोटल 35 फुट सीढ़ी लग चुकी है, ये देखें जी ऊपर उनकी टांगे कांप रही हैं। कुछ बंदे वहां से लगे हैं और कुछ बंदे यहाँ से खींच रहे हैं पोल को। चल
हाँ जी गाइज दूसरी सीढ़ी लगाना शुरू कर दी उन्होंने। ये तकरीबन 20 फुट लगेगी क्योंकि इधर तक 20 फुट तक पोल आएगा। हाँ जी काम पे टांग रही है जी, काम पे टांग रही है भैया बहुत ज्यादा। अभी वो ऊपर है ना, उस पे बहुत ही ज्यादा काम पे की। जी गाइस पहले दो पोल वो लग चुके हैं, उसके बाद अब ये दरमियान वाला पोल लगाना शुरू कर दिए इन्होंने। ये लगा रहे हैं पोल, तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी गाइस तीसरा पोल खड़ा कर दिया है, ये तीसरा पोल जा रहा है ऊपर तक, और उसके बाद अब चौथे पोल की तैयारी कर रहे हैं, चीजें वगैरह साइड पे कर रहे हैं। और ये चौथा पोल है, ये कॉर्नर में इधर 6 इंची वाला पोल आएगा, इधर 4 इंची वाला है, ये 6 वाला आएगा। इधर बोल्ट चेक कर रहे हैं सही लगेंगे, उसके बाद ठीक है। निशान किया उस्ताद जी, वो निशान लाए ना प्लेटों का। अच्छा अच्छा, वो हाँ जी गाइस चौथा पोल खड़ा कर रहे हैं, ये देखें जी। साजा कितने पोल खड़े कर देंगे? 6। जैसे भी आपको वीडियो में लास्ट बताया था पहले कि 6 पोल खड़े होंगे, तो 6 ही होंगे पोल खड़े। और उसके बाद करीब पहुंच चुके हैं, ये देखें। जी गाइस टोटल 5 पोल लग चुके हैं, ये देखें जी टोटल 5 पोल लग चुके हैं। ये प्रॉपर 40 फुट हाइट है, और उसके बाद इनके लिए अब हमने मंगवाई है कॉक। हाँ जी भाई जान कॉक पी रहे हैं जी, वो वीडियो में आप देख लेंगे जैसे। और ये काम हुआ पूरा दिन, आज 7 दिन क्या काम हुआ मैं बताता हूँ। ये सारे पोल लग चुके हैं, ये देखें 2 पोल लग चुके हैं सारे, मतलब टोटल आज 5 पोल लगे हैं। और कल जुम्मे, कल उनकी छुट्टियों के परसों आएंगे, परसों इंशाल्लाह ताला ये सारे पोल लग जाएंगे। उसके बाद ये ज्वाइंट भी लग जाएंगे जो 90 फुट के बनाए उन्होंने। और उसके बाद आज का व्लॉग यही था, आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। ड्यूटफॉल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल RK व्लॉग्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।